ओके तो वेलकम है आप सभी का, गुड मॉर्निंग है सभी को। आज है 22 मई 2022, संडे का दिन है, बहुत ही शानदार दिन है यार। बादल हो रहे हैं यार, मेरी सुबह सुबह लगा, मैंने कहा वाह बारिश होगी क्या। अपन ने पूरा इंतजाम करके चले मेरे भाई लोग, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। खूबसूरत नदी, खूबसूरत पहाड़ आज मिलने वाले हैं। और अभी तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स गोरखपुर, यहाँ से सुनौली बॉर्डर जो है वो दिखा रहा है 4 घंटे, तो 4 घंटे में पहुँच जाना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। 185 किलोमीटर है, 185 ओनली, तो अगर मैं 70-80 की स्पीड से भी जाऊँगा तो मुझे लगता है 2 से 2.5 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। अगर बीच में रोड सही मिला, ट्रैफिक सही मिला, तो आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए। सामान मैंने टाइप कर लिया है और जल्दी जल्दी बस निकल गया बिना नाश्ता किए। अभी नाश्ता देखते हैं आगे कहीं करेंगे, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ठंडे ठंडे में ही अपन ठंडी जगह पे पहुँच जाएँ, ताकि आगे जाके कोई इशू ना हो अपने को। कल तो बाप रे बाप बहुत गर्मी थी यार, अच्छा हुआ होटल सही मिला, रात में नींद भी अच्छी से आई और सब बढ़िया चल रहा है। सब चंगा है जी, सब चंगा है। हॉग लाइट्स के ऊपर मैंने टेप बांध के रखा हुआ है फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। अरे क्यों हॉर्न बजा रहे, क्या उड़ के जाएगा क्या मेरे ऊपर से? उड़ के जाना भाई मेरे ऊपर से, उड़ के जा जा उड़ के जा। अबे ट्रक है, ट्रक भी साइड ले रहा है, देखो लगा है हॉर्न मारने। ऐसा तो नहीं ये इशारा कर रहा है भाई तेरा बैग गिर रहा है पीछे से, ऐसा तो कुछ नहीं। देखना पड़ेगा, थोड़ा साइड देते हैं इसको, आगे जाने देते हैं। सोच रहा हूँ मोबाइल अंदर रख लूँ, मोबाइल का कोई काम है नहीं, आगे कहीं पर आएगा तो देख लेंगे। जा भाई जा, निकलना अब निकल नहीं रहा है। सुबह का 6 बज रहा है, दिमाग खराब किए हुआ है तब से। UP 32 बुरबक्साला, तू भी निकल जा भाई, आगे कहीं रुकेंगे चाय पीने के लिए, मज़ा आएगा, मज़ा बहुत मज़ा आएगा। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पे। ओके तो ये है बस्ती से आगे और बंसी से पीछे, बंसी बस्ती रोड पे चले जा रहे हैं। ये है नेशनल हाईवे 28 जो कि यहाँ से सीधे जाता है सिद्धार्थ नगर, जो कि 43 किलोमीटर बचा हुआ है अभी भी। और मैंने अभी यहाँ पे नाश्ता किया, जस्ट प्याज के पकोड़े थे और एक कप चाय, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, पेट भर गया, अच्छा हुआ। मेरे को लग रहा है ना यहाँ बारिश हुई है रात में बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, 27 डिग्री सेल्सियस अभी दिखा रहा है। और अभी मतलब इतनी ठंडी हवा लग रही है ना कि कल वाली जो गर्मी थी ना वो पूरी न्यूट्रलाइज हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। और अभी इस सफ़र का बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये सफ़र अब सुहाना हो गया है। मौसम अगर ऐसा रहे ना सफ़र बहुत अच्छा रहता है, हालांकि गर्मी से भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आप चलते रहते हो गर्मी नहीं लगती है, रुक जाते हो तो पसीना पसीना हो जाते हो। बट हर मौसम को एंजॉय करना आना चाहिए, और जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं फुल टू ऑन। अभी पेट्रोल के लिए कहीं रुकना पड़ेगा, पेट्रोल ब्रेक एक ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी जो है उसमें अभी रिजर्व लग गया है, तो यहाँ से अभी 100 किलोमीटर और जाएगी मेरी गाड़ी। मैं सोच रहा था कि बॉर्डर के आसपास कहीं भरवाऊँगा, क्योंकि उसके बाद पेट्रोल पंप में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो मैंने कहा एक बार टैंक फुल कराएंगे सीधे और फिर पहुँचेंगे। चलो स्पीड अप करते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ हुई है आज, कल मैंने पेट्रोल भरवाया था 106 रुपये लीटर, वो भी यूपी में, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था और 118 एमपी में था। और आज जो है गवर्नमेंट ने, विश्वास नहीं मानोगे, 9 रुपये कम कर दिए, 9 रुपये। अभी मैंने पेट्रोल भरवाया है 97 रुपीज़ पर लीटर। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। ये ट्रिप है ना मतलब ऑसम होती आ रही है, ऑसम। लेकिन कांटा नहीं उठा यार, मिलावट तो नहीं कर दिए साला ये लोग। उठेगा 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 उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है। चलो
तो बेसिकली क्या है, मौसम आज अच्छा हो गया है, पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं, अब तो घूमने का मजा है ना डबल आएगा डबल। अभी देखते हैं आगे और क्या क्या सरप्राइजेज हैं। फिलहाल तो हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ और अभी दिखा रहा है 88 किलोमीटर 9:49। मैं अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया था बीच में, तो 9:45 था, अभी 4 मिनट और बढ़ गया मेरा डिले, तो 9:49 तक मेरे को पहुंच जाना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ से हम स्पीड अप करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2 घंटे दिखा रहा है 87 किलोमीटर कवर करने के लिए, और अगर मैं 80 की स्पीड से जाऊँगा तो शायद 1 घंटे में कवर कर सकता हूँ। चलो फिर बनाते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या सरप्राइजेज हैं। मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। लोग लेकिन बहुत गौर से देखते हैं गाड़ी को, मुझको, कि भाई ये कौन एलियन है सड़कों पर घूम रहा है। सब कुछ कमाया जा सकता है मेरे दोस्त, एक चीज़ जो नहीं कमाई जा सकती वो है वक्त। बस उसी वक्त को मैं खोना नहीं चाहता और बाद में बैठ के रोना नहीं चाहता। वाओ, बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, मज़ा करते हैं, घूम के आते हैं। यार ऐसा मौसम रहे ना साला, मैं तो ऑल इंडिया ट्रिप मारता रहूँगा ऐसे ही, घूमते 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 यूपी का ही ट्रिप मार दूंगा उठा के। और फाइनली ये है हमारा इंडिया जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और होता है नेपाल शुरू। तो चलो भाई अब बनवाएंगे अपन भंसार, एंड भंसार ऑफिस जो है, एक मिनट, हमें भैया ने रोक लिया है वहाँ पे, आना पड़ेगा, मैं पढ़ाता हूँ। और फाइनली 10:20 पे मैं अब नेपाल में एंट्री कर गया हूँ। आई थिंक 9:30 से लेकर 1 घंटा मुझे लग गया। यहाँ से हम थ्रू हो गए हैं पोखरा के लिए, पोखरा के लिए भाई साहब, पोखरा के लिए, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है, एक अलग ही खुशी मिल रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर जब आप क्रॉस करते हो ना, एक अलग फीलिंग होती है, नेक्स्ट लेवल फीलिंग, जो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी फीलिंग आएगी जब आप रोड से जा रहे हैं, तब आपको फील होगा कि क्या होती है वो फीलिंग जब आप इंटरनेशनल रोडर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अरे यार बोल नहीं पा रहा हूँ यार, इतना एक्साइटेड हूँ। जय हो बुद्धा, आई एम इन द लैंड ऑफ बुद्धा, यस। सो अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग है। सब कुछ हो गया है, भंसार बनवा लिया है, कस्टम पे चेक हो गए हैं, बैग वगैरह भी सब चेक होते हैं, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बट यस हाँ ज़रूरी है सब चीज़ें। और अभी अपन जा रहे ले हैं, ये बहुत शानदार गेट है, इसका एक फ़ोटो तो बनता है, आज अपन फ़ोटो लेते हुए चलेंगे। के तो समय आ गया है कुछ बातें करने का। सबसे पहले बात करते हैं भंसार की। भंसार जो है वो 150 रुपये का हो गया है पर डे नेपाली रुपीज़ में, तो ऑलमोस्ट आपको शायद 90 से 95 रुपये देने पड़ सकते हैं इंडियन रुपीज़ में। जितने दिन का लेना हो उतने दिन का ले सकते हैं। ओरिजिनल RC लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी ओरिजिनल चाहिए मेरे। उसके बाद दूसरी चीज़ है सिम कार्ड। आपको यहाँ से जैसे ही आप सोनौली बॉर्डर क्रॉस करते हो, जहाँ भंसार के ऑफिस है ठीक सामने, काफ़ी सारे शॉप्स हैं जहाँ पर आपको सिम कार्ड मिल जाएंगे। फोटोग्राफ लगता है, फ़ोटो ID लगता है, और 320 रुपये का रिचार्ज उसने नहीं किया, 320 रुपये की सिम दी मुझे, 120 का रिचार्ज मारा 5 GB डेटा के साथ। मुझे सिर्फ डेटा चाहिए, कॉलिंग नहीं चाहिए थी, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर सब कुछ हो जाता है इसलिए। तीसरी चीज़ है मनी एक्सचेंज, यस यू कैन बाय द मनी। यहाँ पर अभी भी रेट वही है 100 का 160, तो 100 रुपये इंडिया में और 160 रुपये नेपाली करेंसी में, तो मैंने भी ऑलमोस्ट कन्वर्ट करा लिए पूरे के पूरे पैसे। और बस इतना ही आपको अपडेट देना था। अब फिलहाल हम जा रहे हैं पोखरा की तरफ, सामने हमें पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं और बढ़ते हैं आगे। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। अगर कहीं पर भी आप फंसते हैं, यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ एजेंट्स, दे विल चार्ज सम मनी एक्स्ट्रा, बट ठीक है यार, अपना काम बनता वो सबसे ज़रूरी है। आप इतनी दूर आए हो ट्रैवल करके, ऑलमोस्ट 740 किलोमीटर ट्रैवल किया, और फिर आप खाली हाथ तो नहीं लौट सकते इसीलिए। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे आगे रोड पे और बातें करेंगे।
फाइनली मैं रुका हुआ हूँ पोखरा से बहुत बहुत पहले, एक्चुअली 120 किलोमीटर है यहाँ से पोखरा, बुटवल के बाद है। इसका नाम है न्यू गुलमेली तंदूरी ढाबा। और पहाड़ों की वादियों में अगर आप आए हैं और साथ में आप गाड़ी की हालत देख रहे हो, क्या बुरी हालत है। रोड तो आपने देख ही ली है, कंडीशन ठीक ठाक है, मतलब कभी अच्छी कभी बुरी वाली बात है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। और अभी जो है हमने ऑर्डर दिया है ब्रेड ऑमलेट का, साथ में चाय। पहाड़ों में आके मैगी भी खाने का मन था, लेकिन अभी मैगी से पेट भरेगा नहीं, तो मैंने सोचा कुछ पेट भरने के लिए, पेट भरवाओ प्रोग्राम के तहत ब्रेड ऑमलेट का ऑर्डर मैंने दिया हुआ है। बाकी सब चंगा चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, अब थोड़ी धूप थोड़ी छांव चल रही है और मज़ा आ रहा है। आज बस पोखरा पहुंचेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, कल की कल देखेंगे। ओके, तो ये था वो होटल जहाँ पे मैंने खाया ब्रेड ऑमलेट और चाय। भाई की चाय बहुत ही अच्छी थी। और अब वक्त आ गया यहाँ से निकलने का, अलविदा कहने का। सामान सब रख लिया अपने। यहाँ से पोखरा बता रहे हैं कि 145 किलोमीटर से रोड, 22 किलोमीटर तक थोड़ी सी ऑफ रोडिंग मिलेगी आपको, लेकिन उसके बाद अच्छी है। हालत देखो यार क्या हो गई है, जूतों की हालत, गाड़ी की हालत देख लो एक बार। ये बीच में जो ऑफ रोड मिला ना, उसकी वजह से हुआ है। चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं। अब यही गाड़ी अगर ज़्यादा प्यार करेंगे हम अपनी मोहब्बत से, तो ये भी बुरा मान जाएगी कि मुझे भी गंदा नहीं करते हो, खुद तो गंदे रहते हो पर मुझे भी तो कर लिया करो। तो चलो फिर चालू करें अपना सफ़र, मिलते हैं आपसे रोड पर। फाइनली मैं पहुंच गया हूं रामदी, और रामदी से कुछ 90 किलोमीटर और रह गया पोखरा। और ये ब्रिज तो हमेशा ड्रीम्स हुआ करते हैं भाई हर राइडर्स के। राइडिंग से याद आया एक चीज़ जो यहाँ पर मैंने देखने को आई है कि अभी तक मुझे एक भी इंडियन राइडर नहीं दिखा है, मतलब इंडिया से राइडिंग करने वाले यहाँ पर बहुत कम लोग हैं। हाँ, थोड़े बहुत टूरिस्ट हैं, नो डाउट कि टूरिस्ट हैं, जैसे कि यूपी की गाड़ी देखिए खड़ी हुई है, ये यूपी की गाड़ी खड़ी हुई है, बट इंडियन राइडर्स शायद उतने नहीं आते मेरे ख्याल से, गिने चुने ही आते हैं और हम भी उन गिने चुनों में से ही हैं अब तो। बट ठीक है, सबका अपना अपना है, किसी को अपना देश, किसी को दूसरा देश, पर हमें तो सब जगह अच्छी लगती हैं क्योंकि हम नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना जानते हैं, नई नई जगहों पे एडवेंचर करना जानते हैं, इसलिए हमने रखा है नाम एडवेंचर सिंह। ओ भाई गुरु वाह, मज़ा आ गया यार मज़ा। ये जो पहाड़ है ना, ये जो ग्रीनरी है, इनमें राइड करने का एक अलग ही आनंद है। और अगर आप वाइज़र को ओपन कर लेते हो फिर तो बात ही अलग है भाई, ठंडी ठंडी हवा, हाय 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 हाय। चले जा रहे हैं बस, मैंने कोई गाना नहीं सुना सोची आज सुबह से, मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ राइड को, राइड की हर आवाज़ को, मज़ा आ रहा है यार। आज से 20 साल बाद 30 साल बाद मैं इस वीडियो को जब देखूँगा तो आई डोंट नो, शायद उस टाइम पर भी कहीं राइड कर रहा हूँ और आराम से रुक के देखूँ कि 20 साल पहले कहाँ गया था, 30 साल पहले कहाँ गया था। ऊपर वाले की मेहरबानी ऐसे ही रही। ओके, आई लव कर्व्स यार, आई लव कर्व्स। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप कर्व पे जब आप मोड़ रहे हैं तो कितने स्पीड पे मोड़ रहे हैं, कितना थीटा लग रहा है, कितना एंगल है, कितना फ्रिक्शन होना चाहिए टायर्स में, तो सही भी है। चलो एंजॉय करेंगे साथ साथ नेपाल गो। तो मैं आ गया हूँ पोखरा से, आई थिंक मैं रुका हूँ कुछ 50 किलोमीटर पहले, यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे। मैंने सोचा कुछ पेट पूजा कर लिया है, बहुत भूख लग रही है, अभी टाइम 2:30 बज रहा है, 2:30-3 के बीच में हो रहा है एक्चुअली टाइम, एग्जैक्टली नहीं मालूम है। ये जगह है जहाँ पर मैं अभी खाने के लिए बैठूँगा और तो बेसिकली मैं अभी खाने वाला हूँ चाउमीन, क्योंकि आज यही अवेलेबल है चाउमीन। और ये दीदी हैं जो मुझे खिला रही हैं अच्छे से, और ये ब्लैक टी भी आ गई मेरी फेवरेट, जो रिफ्रेशिंग कर देती है। अभी तक का दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है, सुपर जा रहा है। अभी यहाँ से पोखरा बस पहुँचना है, देखते हैं कि आज अपने को परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि परमिट का ऑफिस जो है वो 5 बजे बंद होता है,
टाइमिंग मेरी जो है वो 4:30 तक पहुंचने की, अगर वो ऑन द वे मुझे मिल गया तो हो सकता है कि मैं आज ही परमिट ले लूं ताकि कल का दिन बच जाए, या फिर कल परमिट ले लेंगे। रुकने का सोचा नहीं है, हॉस्टल मैंने ट्राई किया है हॉस्टल से, लेकिन परमिट ऑफिस काफ़ी दूर है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कि क्या मिल सकता है आज अपने को। तो मिलते हैं आपसे रोड पर ये खाने के बाद, ये खा लें फिर निकलते हैं यहाँ से। और फाइनली एंट्री हो गई है मेरी पोखरा में। अभी मैं जा रहा हूँ सीधे, देखता हूँ एक ऐप के ऑफिस जा रहा हूँ। यहाँ से गूगल दिखा रहा है कि आपको 16:43 मतलब 4:45 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, 5 बजे क्लोजिंग टाइम है। देखते हैं बनाते कि नहीं बनाते, लेट्स सी। बट ट्रैफिक और धूल, ओ माई गॉड, मुझे लगता था शायद नेपाल में तो साफ़ सुथरा होगा, लेकिन यहाँ पर भी वही है हाल जो है इंडिया में मेरा हाल। ओ हो, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी अपन जा रहे हैं, अपने को आगे से कहीं से टर्न लेना है, भूल ना जाना। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर आप ऑनलाइन रहते हो तो गूगल आंटी आपको डायरेक्शन देती हैं, और अगर आप ऑफलाइन हो जाते हो तो फिर गूगल अंकल आपका साथ देते हैं। ये मैंने कल एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें ये मुझे पता लगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन के खेल है मेल फीमेल की वॉइस मेल में। लेट्स क्रूज। अभी फ्यूल ब्रेक भी लेना ज़रूरी है, फ्यूल भी ख़त्म होने को आ गया है वाह। और मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बार एक ऐप के ऑफिस चलते हैं, अगर वो बात बन जाती है आज तो कम से कम कल का दिन जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, और नहीं तो फिर कल बनवा लेंगे, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। फ्राइडे सैटरडे तो शायद 11 बजे तक ही रहता है, तो आज जो है संडे है, तो संडे को छुट्टी नहीं है। बोल दिया है गूगल अंकल ने कि राउंड अबाउट से फर्स्ट एग्जिट लेना है। बाप रे, धूल तो खतरनाक है। यूपी की गाड़ी दिख रही है मेरे को, भाई लोग जा रहे हैं यूपी से आए हैं, मैं एमपी से आया हूँ बहुत तेजी के साथ। वैसे राउंड अबाउट है कहाँ पर, मैं तो ये सोच रहा हूँ। 180 मीटर पर दिखा रहा है, तो राउंड अबाउट पे अपने को मुड़ना है। बीजेपी की गाड़ी यहाँ पर भी, बीजेपी यहाँ पर भी सरकार बना रही है क्या? जस्ट किडिंग भैया, कहीं तो छोड़ दो। मोदी जी वाह, नेपाल में सरकार गिरा के अब क्या नेपाल में सरकार बनाइएगा? भैया यहाँ तो छोड़ दो यार, धीरे धीरे ऐसा ना पूरे विश्व में। भैया ये मुड़ना कहाँ है, बातों के चक्कर में भूल ना जाना। ये बोल रहा है यहीं से मुड़ना है, फर्स्ट राउंड अबाउट तो यही है। मैंने एक होटल देखा था, 52,000 रुपये नेपाली करेंसी में था वो, कोई तो ग्रैंड करके 52,000 का मतलब हुआ कि 30,000 समथिंग के आसपास होगा वो। बट हम कहाँ रुकने वाले हैं हमें अभी खुद ही नहीं पता है। फिलहाल हमारी मंजिल जो है वो एक ऐप का ऑफिस है जहाँ से हमें मिलेगी परमिशन। बोल रहा है 550 मीटर में टर्न लेफ्ट कर जाना मेरे भाई, कभी पहुँच पाएगा तू? और ये टाइमिंग दिखा रहा है 4:40 की, अभी बज रहा है 4:25, 15 मिनट और एक्स्ट्रा कर दो। इंडियन टाइमिंग भाई, घूम गया। चलो मिलता हूँ मैं आपसे एक आपके ऑफिस के बाद, देखूँ जरा काम वाम करवाऊँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एंट्री हो गई थी अपनी नेपाल के अंदर, गाड़ी अपने लगाई है। ये मेरे पीछे जो है एक ऐप का ऑफिस है, नेपाल टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है। ये एक ऐप का ऑफिस है, यहाँ पर आपको पहले एक ऐप की परमिशन लेनी पड़ती है, अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट। उसमें आप जॉमसम और मुक्तिनाथ जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, अपर मस्टैंग लोअर मस्टैंग डिपेंड करता है उसके आपसे उसकी फ़ीस। मैंने लोअर मस्टैंग का लिया हुआ है जिसमें मुझे 1,000 रुपये देने पड़े हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर परमिट नहीं लेते हो तो आपको 1,000 के 2,000 देने पड़ सकते हैं नेपाली रुपीज़ में, ठीक है। दूसरी बात, आप एक ऐप लेते हो उसके बाद आप लेते हो TIMS टिम्स परमिट होता है जो कि 600 रुपये का रहता है, वो भी यहीं पर मिल जाता है। पहले आपको एक ऐप मिलेगा फिर टिम्स मिलेगा, दोनों की फॉर्मेलिटीज़ बहुत आसान है। आपके पास अगर पॉलिसी नहीं है तो पॉलिसी ले लो, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब गाड़ी की पॉलिसी भी चल जाती है, क्योंकि मैं बाइक से जा रहा हूँ इसीलिए। और दूसरी चीज़ बस, बाकी सब तो बढ़िया है। वोटर आईडी कार्ड से भी काम चल सकता है, आधार कार्ड भी वैलिड है यहाँ पर। फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, कम से कम 6-7 फोटोग्राफ आप रख लो, सिम वगैरह सब निकलवाने के लिए फोटोग्राफ लगते ही रहते हैं, तो आप फोटोग्राफ हमेशा अपने पास रखिए, वैलिड आईडीज़ रखिए, वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखिए। मेरे पास सब कुछ अवेलेबल था, मैं पढ़ के रिसर्च करके आया था इसलिए मुझे सब कुछ मिल गया। फाइनली रिलैक्स हो गया हूँ मैं, अब मैं यहाँ से निकलूँगा सीधे हॉस्टल के लिए। देखते हैं अब हॉस्टल में क्या स्थिति है अपने लिए। ये तो एंड मोमेंट था
कल भी एंड मोमेंट हम लोग रामलला के दर्शन किए, आज एंड मोमेंट हमको ये परमिट मिल गया, कल जाएंगे मुक्तिनाथ के लिए। आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द नेपाल, इंडो नेपाल राइड। चलो, तो यहाँ पर अच्छे बंदे हैं, मतलब एक बंदी मिली जो बैठी हुई थी टिम्स में, सेलिना गुरुंग, उसने काफ़ी हेल्प की, सही बंदी लगी मुझे तो, मतलब समझ रहे हो ना, वैसी वाले नहीं, मतलब इन द सेंस हेल्पिंग नेचर अच्छा था। तो चलो फिर अब यहाँ से करते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे रोड पर, मिलते हैं हॉस्टल में जो कि इंतज़ार कर रहा है अपना। और ये है लेक साइड, ये शायद फ्यू लेक है मेरे ख्याल से या जो भी लेक है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे होटल्स हैं और मेरा मन हॉस्टल जाने का है, तो मैं हॉस्टल जाऊँगा ही, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। विजिट नेपाल, फ़ोटो खिंचवाने का भाई, इंस्टाग्राम पे अपडेट करेंगे। यो, अलग एक्साइटमेंट है, नेपाल एक्सप्लोरेशन चालू है बिल्कुल, विदेशी लोग भी दिख रहे भाई लोग, ये लोग एवरेस्ट चढ़ने ही आते हैं बस खाली। मैं डेटा देख रहा था 2019 में जो ट्रैकर्स आए थे अन्नपूर्णा रीजन में, 181,000, बाप रे, ओहो, कंपेयर टू द फ्यू थाउजेंड सिंस 1992, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। मैंने कहा बाप रे, इतना ज़बरदस्त है, रोड बहुत शानदार है, एकदम क्लीनलीनेस है, अपन तो गूगल को फॉलो करते हुए जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहे हैं। पीछे हिमालयन दिख गई है, अपनी हिमालयन में अगर कुछ आएगा तो अपन उस हिमालयन वाले से हेल्प ले लेंगे। बाकी है तो सही मार्केट, गाड़ियाँ रोड पर खड़ी हुई हैं, नो पार्किंग लिखा हुआ फिर भी खड़ी हुई हैं, ये क्या भाई, ये तो अजब ही नेपाल, अजब है, गजब है, पेराडसो। इसमें मैंने शायद देखा था किसी का मीटअप था आई थिंक। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, ट्रैफिक काफ़ी हो गया है और यहाँ पे सर ने रोका हुआ है गाड़ी को, इस चक्कर में कोई भी गाड़ी निकल नहीं पा रही है। चलो एनीवेज मज़ा आ रहा है, चलो मिलता हूँ मैं आपसे हॉस्टल में, देखें यार हॉस्टल में क्या कंडीशन है अब, वहाँ पर एंड मोमेंट क्या, वरना वापस लौट के आएंगे और यहाँ पे आके रुक जाएंगे। काफ़ी सारे होटल्स थे हमने देख लिए हैं, रुकने का मन था यहाँ पर भी, बट ठीक है, हॉस्टल हॉस्टल है, बाकी तो सब हॉस्टल है। ओके, तो वेलकम बैक खेत जी, और मैं आ गया हूँ हॉस्टल की प्रॉपर्टी पे। ये है हॉस्टल की प्रॉपर्टी, शानदार है, पोखरा में मुझे डॉर्म रूम मिला है वैसे यहाँ पर, और डॉर्म रूम इज़ लाइक 6 बेड वाला है, तो उतना मैं कंफर्टेबल नहीं रहता क्योंकि मुझे चाहिए अपनी इंडिपेंडेंट, बट ठीक है। मुझे एक्चुअली क्या था, कल सुबह निकलना है, तो मैंने सोचा है कि यार रात में कहीं पर जाके पैसे देने से अच्छा है कि अपन आज रात हॉस्टल रुक जाते हैं, जब लौट के आएंगे ना तो अच्छा सा प्रॉपर एक होटल बुक करेंगे, उसके बाद पोखरा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कल अपने पास परमिशन है मुक्तिनाथ जाने की, इसलिए मैं सोचा कि कल अपन जाएँ मुक्तिनाथ, रिटर्न मारेंगे, उसके बाद अपन आके पोखरा में रुकेंगे, पोखरा एक्सप्लोर करेंगे, फिर यहाँ से आगे का प्लान बनाएंगे, अभी तो सोचा नहीं है। लेकिन यार शानदार नज़ारे हैं, मस्त वाले, एक नंबर नज़ारे, फ़ोटो तो शानदार आ रही है भाई, इंस्टाग्राम के लिए अपडेट करने का है अभी। चलो चलो चलो, थोड़ा बहुत फोटो वोटो खिंचवाएंगे, हॉस्टल की प्रॉपर्टी मैश करेंगे, शाम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे हम, जाएंगे पोखरा में, देखते हैं नाइट लाइफ कैसी रहती है, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कल सुबह का शेड्यूल। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और फाइनली मैंने खाना खा लिया, एक पंजाबी रेस्टोरेंट मुझे मिल गया था, ये है वो ले, मतलब कहना चाहिए स्ट्रीट, जहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स, काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, यह मेन स्ट्रीट ही समझ लो आप, इसका नाम है लेक साइड पोखरा, तो लेक साइड पोखरा पे आप आ सकते हो, यहाँ पे रुक सकते हो, काफ़ी सारे होटल्स हैं, काफ़ी सारे रीज़नेबल भी हैं, महंगे से महंगा भी, सस्ते से सस्ता भी है, मैंने 2-3 अभी ट्राई किए, सबके रेट पता किए हैं, तो देखता हूँ अगर रिटर्न आऊँगा तो उस टाइम पर फिर मैं रुकने की कोशिश करूँगा, अभी तो फ़िलहाल मैं हॉस्टल जा रहा हूँ वापस, क्योंकि रात के बज रहे हैं 9। वाओ, और काफ़ी अच्छा है यार, मज़ा है, मज़ा अल्टीमेट है, ठीक है, नाइट लाइफ भी अच्छी है, लोग घूमते हुए मिल जाएंगे आपको, इंडिया से मिल जाएंगे, विदेशी मिल जाएंगे, और भी कई सारी कंट्रीज़ के लोग आते हैं, कुत्ते भी बैठे हुए हैं, कुत्ते भी आ गए यहाँ पे, तो ओ माय गॉड। बाकी बाहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब रूल तो रूल है, नो ड्रिंकिंग वाइल ऑन अ राइड और आफ्टर द राइड और बिफोर द राइड, बिल्कुल भी ये सब ट्राई नहीं करना है, क्योंकि एकदम होश हवास में रहना। मैंने सुना है कि कल जॉमसोम में जो है बहुत ऊँचाई पर है भाई, और अन्नपूर्णा का एरिया में जाना है, तो पूरा फिट एंड फाइन रहना है। तो चलो फिर, अब आज जो है यहीं पर आपसे हम लेते हैं विदा और करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल सुबह, एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे,
और ये पूरा लेक व्यू है, देख लीजिए। और तो मैं कह रहा था कि एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे, एक नई कहानी लिखेंगे। पेट्रोल का आज बड़ा लफड़ा हुआ, जब भी आप आ रहे हो पेट्रोल भरवा लो भाई। यहाँ पे सारे पेट्रोल पंप वालों ने मना कर दिया था, बड़ी मुश्किल से एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिला और उस पर भी समझ लो काफ़ी लंबी लाइन थी। मैंने फिर फुल टैंक करा लिया। इंडिया में होते तो वो लोग पहले ब्लैक में बेचते, उसके बाद फिर वो लोग करते कि भैया इतने से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भाई लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने टैंक फुल कर दिया, पूरा 11 लीटर भरवा लिया, क्योंकि कल जाना है और आना है तो पेट्रोल उतना होना चाहिए। आगे का आइडिया है नहीं कि कितना पेट्रोल होगा कितना पेट्रोल नहीं होगा, इसलिए तो बेटर है कि अपना टैंक फुल करवा लीजिए। वो है सामने जोस्टल, मेरा लवली जोस्टल, वो देखो सामने दिख रहा है, वही है जोस्टल। उसी में एक छोटे से कमरे में हम रुके हुए हैं, एक रात के लिए हमने 400 रुपये पे किया नेपाली रुपीज़ में। वो वर्थ है यार, सोना है ना, इसलिए सामान तो अपन कहीं पर भी जमा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने को अच्छा नहीं लगता। अपने को चाहिए थोड़ी पर्सनल प्राइवेट जगह, वो ज़्यादा बेटर रहती है। मेरे को दिख गए केले, तो मैं एक काम करता हूँ, ज़रा केले लेता हूँ, और कल सुबह जो है ना केले ही काम आने वाले हैं भाई, इसीलिए ये लास्ट चीज़ होगी जो मुझे लेना है। चलो